हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज मैं आपको तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज पढ़ेंगे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बायोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट कंटिन्यू चल रही है और विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में तंत्रिका तंत्र के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हम तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारे शरीर में न्यूरॉन्स का बना हुआ एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर में सारी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, यानी कि न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है, और न्यूरॉन्स हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका के रूप में फैले हुए होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारे शरीर में सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है और हमारे दैनिक जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, ये हमारे बुद्धि, ज्ञान, स्वभाव सभी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मनुष्य का सारी इच्छा शक्ति, स्मृति, बुद्धिमत्ता, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र जो होता है वो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए एक और एडिशनल फैक्ट बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर तो आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर के बारे में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कंप्यूटर में डाले गए डेटा को उसमें स्थित सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदल देती है। तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है दोस्तों सीपीयू। तो सीपीयू में एक महत्वपूर्ण भाग होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर में सारे विद्युत संकेतों को और कंप्यूटर के इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग की क्रियाओं को कंट्रोल करती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो मनुष्य के अंदर होने वाली सारी क्रियाएं, जैसे कि बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान, वाणी, चिंतन, इन सभी को कंट्रोल करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। इसीलिए तंत्रिका तंत्र जो होता है वो महत्वपूर्ण अंग होता है और कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए बुक से डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, बायोलॉजी के तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। तो दोस्तों, न्यूरॉन्स जो होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, महीन धागे के समान संरचनाएं होती है जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएँ संवेदी अंगों से प्राप्त करके इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में द्रुत गति से प्रसारण करती है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही तेज़ी से प्रकाश के वेग से गति करती है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में तेज़ी से पहुंचा दी जाती है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न भागों के बीच में कार्यात्मक समन्वय स्थापित होता है। यह होता है तंत्रिका तंत्र का कार्य। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर में पाया जाने वाला न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जो विभिन्न शरीर के आवेगों को और विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय को स्थापित करता है, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न कार्यों पर कंट्रोल किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के भाग। तो दोस्तों, नर्वस सिस्टम, जिस तरह से सीपीयू का नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी नर्वस सिस्टम होता है। यदि अगर किसी शरीर का नर्वस सिस्टम निकाल दिया जाए दोस्तों, तो आप उसके हाथ को भी काटेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा, आप उसके पैर को भी काटेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। यानी कि जिन व्यक्तियों की सर्जरी होती है, उनके नर्वस सिस्टम को या उस प्लेस की न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि शरीर को पता ना चले दुख तकलीफ का। दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त होता है। पहला होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
इसके अलावा तीसरा जो होता है दोस्तों उसे स्वायत्त या स्वाधीन या ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। तो ऑटोनोमस का मतलब स्वतंत्र होता है या स्वाधीन होता है। इसके अलावा दोस्तों ये तीन जो होते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र एंड स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसमें दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्वाधीन या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों आइए डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो दोस्तों मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके भाग कितने होते हैं, तो दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा, यानी कि उसके बाद में स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा उसके दो भाग होते हैं, मैंने आपको बताया मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो दोस्तों अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क वाले पार्ट के ऊपर अब हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों मस्तिष्क क्या होता है? तो मस्तिष्क का मतलब होता है दोस्तों ब्रेन। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों हर इंसान के पास एक ब्रेन होता है। और ब्रेन से ही उसके आईक्यू लेवल का डिटर्मिनेशन होता है और मशीनों की बुद्धिमत्ता को विकसित करने का जो श्रेय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो दोस्तों अभी तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क होता है उसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क को प्रोसेंसेफेलॉन कहा जाता है। मस्त मस्तिष्क को मिसेनसेफेलॉन कहा जाता है दोस्तों, और पश्चिम मस्तिष्क को रोम्बे से फेलॉन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क या डाइएन्सेफेलॉन। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका डाइएन्सेफेलॉन जो होता है ये दो भागों थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बटा होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वीडियो पर बने रहे। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है ये दो भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क और डाइएन्सेफेलॉन। तो डाइएन्सेफेलॉन जो होता है दोस्तों ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के में बटा होता है, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में बात करूँगा मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है दोस्तों इसके मुख्य भाग होता है कॉर्पोरा क्वाडिजेमिना जो होता है यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि कई कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं। तो दोस्तों कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना जो होता है इसका मुख्य कार्य दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो होता है, इसमें जो थैलेमस होता है दोस्तों यह जो होता है दर्द ठंडा एवं गर्म को पहचानने में मदद करता है। थैलेमस थैले में गर्म चीज़ है कि ठंडी चीज़ है, क्या है क्या नहीं है, यानी कि थैलेमस जो होता है गर्म ठंडा और दर्द को सहने के लिए, दर्द को समझने का पहचानने का कार्य करता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों यह जो होता है दोस्तों भूख प्यास ताप प्यार घृणा लव रक्तदाब
जल के उपापचय पसीना, गुस्सा, खुशी इत्यादि को व्यक्त करता है या पहचानता है। और थैलेमस जो होता है दोस्तों, ये मात्र ठंडा गर्म और दर्द थैलेमस जो होता है दोस्तों, ठंडा गर्म और दर्द को बताता है। और हाइपोथैलेमस कई सारी चीज़ों को बताता है, प्यार, नफरत, ताप, भूख, घृणा, रक्तदाब, उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, इन सभी को हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, नाम ही बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ों को बताता है, लेकिन थैलेमस जो है ये मात्र दर्द और ठंडा और गर्म। ओके दोस्तों, याद रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क पे। मध्य मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, इसमें जो कारपोरा क्वार्डी जेमिना जो होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, कारपोरा क्वार्डी जेमिना, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति दो ही चीज़ों पे फोकस करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सेरिब्रल पेंडिकल। तो सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है दोस्तों, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने वाला कौन सा मस्तिष्क होता है, तो वो मध्य मस्तिष्क का भाग सेरिब्रल पेंडिकल होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कौन करता है, तो कारपोरा क्वार्डी जेमिना करता है। अब बात करेंगे पश्च मस्तिष्क की। दोस्तों पश्च मस्तिष्क जो होता है, ये हमारे चेती वाला भाग होता है, सिर के नीचे वाला भाग या पीछे का भाग होता है, जिसे हम गाँव के लोग चेती बोलते हैं, बालाघाट जिले में चेती झड़ा दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क। आपको जानकारी मिले दोस्तों, पश्च मस्तिष्क जो होता है, ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हमारे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को करता है। यहाँ पर हमारे शरीर का सेरिब्लम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा पाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो सेरिब्लम होता है, यह शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। सेरिब्लम नाम से ही बना, सेरिब्लम यानी कि संतुलन। तो दोस्तों सेरिब्लम जो होता है, ये हमारे शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों सेरिब्लम जो होता है, यह शरीर में ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है, या आंतरिक कान के संतुलन से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मेड्यूला ऑब्लांगेटा की। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रेम्बो सेलेफ्लॉन। इसके अलावा दोस्तों यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमानुकुंचन, ग्रंथिस्राव और हृदय की धड़कनों और श्वास का नियंत्रण करता है। उल्टी का नियमन का केंद्र भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है। तो दोस्तों जो लोग पीने वाले होते हैं, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, उनको जब वो पक्की पीते हैं और कच्ची पी लेते हैं तो उल्टी होने लगती है। तो दोस्तों ये उल्टी जब होती है तो उसका जो केंद्र होता है वो भी मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा जो लोग जहरीली चीज़ गलती से खा लेते हैं या गलती से खाने में आ जाता है, टॉक्सिक एलिमेंट, तो दोस्तों उल्टी होती है। इसके अलावा दोस्तों जब कोई लड़की या कोई महिला या कोई भी शादीशुदा स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे उल्टी होती है। तो उल्टी के लिए कौन सा मस्तिष्क का केंद्र रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दोस्तों उसके लिए मेड्यूला ऑब्लांगेटा रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना सारा बताने का एक ही रीज़न है कि मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है ये उल्टी को नियंत्रित करता है, यानी कि वोमेटिंग को नियंत्रित करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ कि मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे ईईजी टेस्ट कहा जाता है। तो ईईजी टेस्ट का प्रयोग इलेक्ट्रोएन्सीओफेलोग्राफ का उपयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मस्तिष्क के बारे में, ध्यान से देखना। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में मस्तिष्क के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मनुष्य का मस्तिष्क किन हड्डियों के द्वारा बंद होता है। तो दोस्तों मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है, अस्थियों के खोल क्रोनियम से बंद रहता है। किसके द्वारा बंद रहता है? क्रोनियम। तो ये फैक्ट को आपको याद रखना है कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो अस्थियों के खोल क्रोनियम से बंद रहता है,
यह इसे बाहरी आघातों और चोटों से बचाता है। जैसे आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट का जो बाहरी आवरण होता है, वैसे ही अस्थियों का बाहरी आवरण होता है जो कि क्रोनियम कहलाता है। क्रोनियम से हमारा मस्तिष्क जो होता है वो अस्थियों के खोल से बंद रहता है। इसके बाद में हम सेकंड फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य में मेल के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम और महिलाओं के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है दोस्तों। इस फैक्ट को याद रखना है। इसलिए कई लोग बोल देते हैं कि लड़कियों को दिमाग कम होता है, लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। लड़कियों को बहुत दिमाग होता है, लड़कों से ज़्यादा सेंस लड़कियों को होता है। लड़कियों में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा अवेयरनेस होती है, लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू बॉयज़। एक माता पिता का ख्याल रखने की बात अगर की जाए तो दोस्तों, जितना ख्याल लड़के नहीं रखते उससे ज़्यादा ख्याल लड़कियाँ रखती है। तो सैल्यूट फॉर दैट गर्ल्स, उन लड़कियों के लिए मेरा सलाम जो माता पिता का ख्याल रखती है, हिफाजत करती है, उनकी बातों को मानती है। और ऐसी लड़की खुदा हर किसी को दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि लड़के बुरे होते हैं, पर लड़के जो होते हैं दोस्तों इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, सुनते नहीं है, मोटी अकल के होते हैं, और भी बहुत सारी कमियाँ होती है, ज़्यादा बताऊँगा तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मनुष्य में मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है इन मेल और 1350 ग्राम होता है दोस्तों फीमेल। तो वजन पे नहीं जाना है दोस्तों, दिमाग सभी में समान होता है, कोई किसी से कम नहीं होता है, सभी एक से बढ़कर एक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बताएंगे आपको सेरिब्रम के कार्य। तो दोस्तों सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों, जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम ही हमारे शरीर का सबसे विकसित भाग होता है, सेरिब्रम ही मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इच्छा शक्ति, डिज़ायर, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान वाणी, नॉलेज सेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और चिंतन का केंद्र होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त इंस्पिरेशन, प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण और समन्वय होता है दोस्तों। तो आप लोगों ने बाबा रामदेव की वीडियोस देखे होंगे दोस्तों, उसमें वो बताता है कि हमारे मस्तिष्क को ठंडा कैसे रखे, फ्रेश कैसे रखे, सुबह प्राणायाम करें। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये सेरिब्रम तक ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए विभिन्न योगा को किया जाता है दोस्तों। तो सेरिब्रम को अब हम सीधे विकिपीडिया पर जाकर देखेंगे दोस्तों, वीडियो पर बने रहे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव स्विच्ड ऑन विकिपीडिया। दोस्तों अब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे विकिपीडिया से। तो हम बात कर रहे थे सेरिब्रम की। तो दोस्तों द सेरिब्रम और द सेरिब्रम और टेलीसेफलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एज वेल एज सेवरल सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द हिपी कैंपस, बेसल गेंगलिया एंड ऑल्फैक्ट्री बल्ब। यानी कि दोस्तों ये एक बल्ब के आकार की संरचना होती है सेरिब्रम। इसके डेफिनेशन पे अपने को जाना नहीं है, इंग्लिश में पढ़ के अपने कोई निहाल नहीं करना है, अपने को कोई भारत रत्न नहीं लेना है दोस्तों, अपने को क्या करना है एग्जाम निकालना है। तो सेरिब्रम क्या होता है, एक बल्ब की जैसे रचना होती है, दिमाग में बत्ती जला देती है। तो जैसे दिमाग की बत्ती होती है तो दिमाग की बत्ती ही सेरिब्रम होता है दोस्तों। और सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति यानी कि इंटेलिजेंसी, मेमोरी, डिज़ायर, ऐच्छिक गतियाँ, सेंस वॉइस एंड चिंतन का केंद्र और इंस्पिरेशन का सेंटर होता है। इसके अलावा इसमें एनालिसिस और समन्वय किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका सेरिब्रम है, चित्र में आप देख सकते हैं। यह क्या होता है, अन्य कई प्रकार की छोटी छोटी न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आपका जो सेरिब्रम होता है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। और यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण और समन्वय होता है। तो जो भी एनालिसिस का कार्य होता है, जो भी विश्लेषण का कार्य होता है, वो हमारे सेरिब्रम में होता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थैलेमस के कार्य की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थैलेमस क्या होता है, तो दोस्तों आपको जो ये सेरिब्रम दिखाई दे रहा है ना,
आप सोच रहे होगे सर ये तो सेरिब्रम है, ये इसमें तो कुछ लगेगा तो चोट लग जाएगी। दोस्तों आपका जो सेरिब्रम होता है यह मस्तिष्क की अस्थियों के खोल क्रेनियम से बंद रहता है। कैसे बंद रहता है? क्रेनियम, क्रेनियम से बंद रहता है दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थियों के खोल का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्रेनियम। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुक के पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे थैलेमस की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कंपटीशन एग्जाम में थैलेमस के कार्य पूछे जाते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नाम ही है थैलेमस। याद रखना है आपको थैलेमस का कार्य और हाइपोथैलेमस का कार्य। तो दोस्तों थैलेमस, जब आप थैलेमस लिखते हैं तो ये छोटा सा वर्ड है, क्या है? बहुत छोटा सा वर्ड है। तो इसके काम भी छोटे छोटे हैं दोस्तों। ये ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव देता है, बस। मस्तिष्क का वह भाग जो ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव देता है थैलेमस कहलाता है दोस्तों। तो याद रखना बिल्कुल ही ईजी है, तीन कामों को करता है ये महत्वपूर्ण रूप से, ठंडा, गर्म और दर्द। दर्द देता है, ठंडा गर्म को सहने की यानी कि अनुभव देता है। ठंडा, गर्म और दर्द थैलेमस का कार्य होता है, इसको याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस का कार्य बताओ। तो दोस्तों नाम ही कितना बड़ा है, हाइपोथैलेमस, इतना बड़ा नाम है दोस्तों हाइपोथैलेमस। तो इसके काम भी कई सारे हैं ना दोस्तों, देखो ध्यान से। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके जो कार्य होते हैं दोस्तों, यह जो होता है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, लव, हेट, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, इन सब को नियंत्रित करता है दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस के लिए तो जितनी भी चीज आई ना, हाइपोथैलेमस लगा देने का, बची चीज थैलेमस लगाने का। दर्द, ठंडा और गर्म थैलेमस के कार्य है, बाकी प्यार, नफरत, घृणा, खुशी, ये सब किसके काम है? हाइपोथैलेमस के काम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों कॉर्पोरा क्वाल्टी जेमिना की। तो कॉर्पोरा क्वाल्टी जेमिना जो होता है दोस्तों, ये हमारे कॉर्पोरा कॉर्टे जेमिना जो होता है, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है भैया? याद रखना थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क के भाग है, अग्र मस्तिष्क के भाग है। लेकिन अग्र मस्तिष्क के दो ही भाग है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क और डाई एनसीफेलॉन। तो डाई एनसीफेलॉन के दो भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का कार्य मैंने आपको बता दिया, ये दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानता है, और हाइपोथैलेमस जो है इसमें प्यार, घृणा और पसीना, भूख, प्यास, खुशी, गुस्सा, उपापचय और पसीना, ये सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। अब बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। तो दोस्तों मध्य मस्तिष्क का पहला भाग होता है कॉर्पोरा कॉर्टी जेमिना। तो कॉर्पोरा कॉर्टी जेमिना जो होता है दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करना। तो आपकी जो दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण जो करता है दोस्तों, वो कॉर्पोरा कॉर्टी जेमिना होता है। मैं आपको जानकारी के लिए एक और एडिशनल फैक्ट बता दूं दोस्तों, लड़के लोग जो होते हैं, मेल जो होते हैं, इनकी जो दृष्टि तंत्र होता है वो काफ़ी विकसित हो जाता है। लड़के लोग जो बुढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी नज़रें बहुत तेज होती है, गलत गलत जगह पे चली जाती है, मतलब कि वो देखते ही रहते हैं कि कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है। हमारे जो बूढ़े दादा लोग होते हैं, ए क्या कर रहा है, देखते हैं कि नहीं। लेकिन हमारी जो दादी लोग होती है दोस्तों, उनकी श्रवण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, कौन की बहू क्या कर रही है, कौन की बहू क्या नहीं कर रही है, इधर की उधर कानाफूसी करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, अपने को तो सुनाई च नहीं आता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मेल लोग जो होते हैं उनका दृष्टि तंत्र अच्छा होता है, वो देखने में पहली नज़र में पहचान जाते हैं आदमी को। और लड़कियां जो होती है उनकी श्रवण शक्ति काफ़ी तेज होती है, उनके बैग में अगर मोबाइल वाइब्रेट होता है तो उनको पता चल जाता है, यहाँ तो जेब में भी वाइब्रेट होता है तो पता नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, कॉर्पोरा क्वाल्टी जेमिना जो होता है ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति के नियंत्रण का केंद्र होता है। तो ये मैंने आपको कंपेरेटिवली बता दिया। तो ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का जो नियंत्रण होता है ये कॉर्पोरा कॉर्टी जेमिना के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको सेरिब्रल पेरिडिकल के कार्य। तो दोस्तों सेरिब्रल पेरिडिकल जो होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्रूरा सेरिब्री
किसे कहते हैं? तो सेरिब्रल पेंडिकल को ही क्रूरा सेरिब्रल कहते हैं और यह मस्तिष्क के भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों आपको इस फैक्ट को याद रखना है कि मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने के लिए सेरिब्रल पेंडिकल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेरिबेलम के कार्य। तो दोस्तों सेरिबेलम क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सेरिबेलम जो अब हम आ गए हैं ये मध्य मस्तिष्क, ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिबेलम किसका भाग होता है? मध्य मस्तिष्क का भाग होता है दोस्तों। किसका भाग होता है? मध्य मस्तिष्क का। सेरिबेलम जो होता है ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है और ये जो होता है दोस्तों सेरिबेलम जो होता है मध्य मस्तिष्क का भाग होता है और ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। किसका काम? संतुलन। सेरिबेलम संतुलन बनाने का कार्य करता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है या आंतरिक कान के संतुलन से संवेदनाएं ग्रहण करता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये ऐच्छिक पेशियों के संतुलन पर नियंत्रण करता है, संकुचन। तो जैसे दोस्तों आँख मारना है किसी लड़के को तो वो सेरिबेलम का यूज करेगा, यहाँ लिया है ना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो आँख मारना एक ऐच्छिक पेशी का कार्य है दोस्तों, लेकिन जब आपको छींक आती है तो वो अनैच्छिक पेशियों का कार्य होता है। छींक पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, हिचकी पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, समझ गए ना दोस्तों। तो सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? ये शरीर में संतुलन बनाता है और ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मेड्यूला ऑब्लांगेटा की। दोस्तों मेड्यूला ऑब्लांगेटा इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर पश्च मस्तिष्क। ये जो होता है हमारे रोम्बोसेफेलॉन यानी कि पश्च मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो दोस्तों मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों रक्तदाब, उपापचय, आहार नाल के क्रमानुकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों एवं श्वसन का नियंत्रण करना होता है। उल्टी का नियमन भी जो होता है दोस्तों मेड्यूला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा दोस्तों मेरुरज्जु के बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे अब हम मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे मेरुरज्जु के ऊपर। तो मेरुरज्जु जो होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ पीछे का भाग जो होता है वो मेरुरज्जु कहलाता है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो होता है दोस्तों एक प्रकार का जो हमारे पश्च मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक बोनल वाला हिस्सा होता है जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा कहलाता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं और हमारी आंखों में कीड़ा चला जाता है तो हमारी आंखें अचानक बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे नाक में कीड़ा चले जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली छींक आ जाती है या हमें पता चल जाता है और फिर हम नाक से कीड़े को निकाल लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आँखों में भी कीड़ा जाता है तो हम निकाल लेते हैं। तो मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना जो होता है ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड का कार्य होता है। तो स्पाइनल कार्ड जो होता है दोस्तों ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। आगे बढ़ते दोस्तों बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने लगाया था। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो मार्शल हॉल ने लगाया था दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो जो पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों ये जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। इसमें क्रमशः कपाल यानी कि क्रेनिकल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है, स्पाइनल पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो दोस्तों मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निवरान के ऊपर। तो दोस्तों निवरान का आप नाम सुना होगा दोस्तों, नागपुर में निवरान नाम के बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहां पर बहुत अच्छा इलाज होता है या होता है, नहीं होता है आपको वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। तो निवरान क्या होता है? तो दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होगा निवरान क्या होता है। हमारी तंत्रिका कोशिका की जो यूनिट सेल होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में लाखों करोड़ों न्यूरॉन कोशिकाओं का नेटवर्क पाया जाता है, उसे ही हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों। इसे 100% याद रख लेना, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों नॉर एड्रिलिन नॉर एड्रिलिन नामक
रासायनिक द्रव न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। तो नॉर एड्रीनेलिन जो होता है ये एक रासायनिक द्रव होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में जाकर हमारे शरीर में क्या करता है, विभिन्न उद्दीपनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों के तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैगली नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था 1921 में। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है दोस्तों ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है। तो दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है इसकी खोज लैगली नामक वैज्ञानिक ने की थी, इस फैक्ट को भी आपको रट लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। इसके अलावा यह हृदय के स्पंदन को तेज करता है। यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है, यानी कि आपको पसीना आने लगता है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा यह आपकी आँख की पुतलियों को फैला देता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आँत में क्रमानुकुंचन की गतियों को कम कर देता है और श्वसन दर को कम कर देता है। रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों यह रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है और सामूहिक रूप से भय पीड़ा एवं क्रोध को प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आपका जो अनुकंपी यानी कि जो आपका दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपको डर लगता है, जब आपको स्पेशल इमोशंस जागते हैं आपके, तब ये क्या होता है दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब आप किसी लड़की को किस करते हैं तो आपका हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी किस करना मतलब आप किसी बच्चे को भी किस करते हैं तो आपके अंदर खुशी जागती है। इस तरह से दोस्तों मल्टीपल चीज़ें जो होती है जिसके कारण आपके अनुकंपी तंत्र के कार्य क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे मस्तिष्क का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। यानी कि स्पेशल कंडीशन पर ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो हमारे को जब भय लगता है, पीड़ा लगती है, क्रोध होता है या हम कुछ स्पेशल इमोशंस को परफॉर्म करते हैं तभी परानुकंपी तंत्र कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बताएंगे दोस्तों एग्जाम्पल्स को आप अन्यथा ना ले, यह सिर्फ आपको समझने के लिए बताया गया है, ठीक है, पर्सनली ना ले। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे परानुकंपी तंत्र के कार्य। तो दोस्तों परानुकंपी तंत्र के क्या कार्य होते हैं, तो दोस्तों परानुकंपी तंत्र को पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनी को छोड़कर। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि परानुकंपी या पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये किस रुधिर वाहिनी को चौड़ा नहीं करता है, तो यह कोरोनरी रुधिर वाहिनी को चौड़ा नहीं करता है। और यह जो होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर को कम करता है, यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक में वृद्धि करता है, यानी शरीर की वृद्धि के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, यह मूत्राशय की अन्य पेशी में संकुचन उत्पन्न करता है, यह आंतीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है, यह तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थिति उत्पन्न करता है। मतलब जब आप रात में सोते हैं दोस्तों, रात में जब आप सोते हैं तो क्या होता है, लार का श्रावण अधिक होता है, लार बहती है,
पाचक रसों में वृद्धि हो जाती है, नेत्र की पुतली का संकुचन हो जाता है और मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है और आंत की भित्ति में संकुचन, आपकी आंत जो है वो काम करना चालू करती है और भोजन को पचाती है फटाफट और आपको नींद लगती है, आपको भूख, आपको मस्त नींद लगती है और आप सुख का अनुभव करते हैं, आराम का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कब एक्टिवेट होता है, रात के समय में जब आप सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, बम आराम करते हैं, तभी आप जो है आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आगे बात करूंगा दोस्तों मैं कंकाल तंत्र की, तो कंकाल तंत्र जो है दोस्तों मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो ये जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में आराम और सुख के अनुभव के लिए होता है, और आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों ये जो होता है जब आपको भय लगता है, डर लगता है, जब आपको घबराहट होती है, जब आप किसी चीज़ की ज़्यादा चिंता करते हैं, ओवर थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस टाइप के कंडीशन में आपका अनुकंपी तंत्र। तो दोस्तों ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, जब आपको डर लगता है तो कौन सा आपका सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करता है, तो दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको डर लगता है तब एक्टिवेट होता है, और जब आप सोते हैं, नींद मारते हैं या बहुत ही आराम फील करते हैं तब आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो इन फैक्ट्स को याद रखना है। दोस्तों आज का वीडियो मैंने काफ़ी स्लो बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि स्लो भी बनाना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आप लोगों को कभी स्पीडली बताता तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक था। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जोशो खरोश के साथ कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, स्केल्टन सिस्टम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली, खुश रहे, आबाद रहे, और पटाखों का कम से कम प्रयोग करें, नेचुरल दीपावली मनाए, दिए जलाए और वायु प्रदूषण से बचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।